हेलो एवरीवन वेलकम टू पीजी सीरीज मैं हूँ आदेश फ्रॉम लर्नो हब द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहाँ आप पढ़ते हैं मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट लर्नो हब डॉट कॉम बच्चों आज के सेशन में हम अपनी यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी के नेक्स्ट चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन को डिटेल में कवर करने वाले हैं so time, हैं विद ऑल इट्स कॉन्सेप्ट्स सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए बिगिन करते अपने आज के सेशन को तो चलिए बच्चों बिगिन करते हैं अपने चैप्टर के साथ एंड बिफोर डाइविंग डीप इनटू द चैप्टर लेट अस ट्राई टू आंसर अ सिंपल क्वेश्चन कि भाई एक्सक्रीशन क्या होता है और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है राइट तो भाई एक्सक्रीशन को समझते हैं ऐसे कि आपको बताए बच्चों हम ह्यूमन बींग्स जस्ट लाइक एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही होती हैं और डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में आप जानते हो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन होता है और फॉर्मेशन होता है सिंपलर प्रोडक्ट्स का अब मेजोरिटी केसेस में जो प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड होंगे वो हमारी बॉडी वापस से यूटिलाइज कर लेती है बट कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म जो हमारी बॉडी यूटिलाइज नहीं कर सकती है और वो हमारी बॉडी में एक्ूमेलेट होते रहते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस का एक्यूमिलेशन हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक या हार्मफुल साबित होता है तो ऐसे में देयर इज अ नीड कि हम इन सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी से एलिमिनेट करें तो इस एलिमिनेशन की प्रोसेस को ही हम एक्सक्रीशन कहते हैं राइट right? तो बेसिकली क्या हुआ एक्सक्रीशन इट इज अ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन या रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी एंड जिन मेन टाइप के वेस्ट पे हम फोकस करने वाले हैं हमारे चैप्टर में वुड बी द नाइट्रोजन कंटेनिंग सो बेसिकली जिन वेस्ट के ऊपर हम फोकस रहेंगे वुड बी द नाइट्रोजेनस वेस्ट सो नाइट्रोजनस वेस्ट आपको बता रहा है कि इनके अंदर आपको नाइट्रोजन देखने को मिलेगा ठीक है और ये वेस्ट कैसे फॉर्म होंगे बाई द मेटाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन्स एंड नाइट्रोजनस बेसिस ठीक है क्योंकि बेकर, बेकर के अंदर आपको नाइट्रोजन की प्रेजेंस नजर आती है ना तो जब बॉडी में इन प्रोटीन्स और नाइट्रोजनस बेसिस का मेटाबॉलिज्म होगा ब्रेकडाउन होगा तो आपको नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म होते हुए नजर आते हैं तो आइए देखते हैं भाई कि कितने टाइप के नाइट्रोजनस वेस्ट आपको देखने को मिलेंगे इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स तो भाई तीन टाइप के आपको नाइट्रोजनस वेस्ट देखने को मिलते हैं द वेरी फर्स्ट वन इज द सिंपलेस्ट वन कॉल्ड अमोनिया देन वी हैव इज यूरिया एंड थर्डली तो थर्ड टाइप का आपका

जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं दैट मींस हमने तीन नाइट्रोजनस वेस्ट को देखा था ना दैट इज अमोनिया यूरिया एंड यूरिक एसिड तो तीनों में सबसे टॉक्सिक फॉर्म अगर कोई है दैट इज गोइंग टू बी अमोनिया तो अमोनिया जो है वो सबसे टॉक्सिक फॉर्म ऑफ ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट है और ये उतना ही हाईली वाटर सोलबल भी होता है मतलब ये वाटर में बहुत हाईली सोलबल है इसीलिए इसके रिमूवल के लिए आपको उतना ही वाटर रिक्वायर्ड होता है सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर फॉर इट्स रिमूवल इस बात को आपको याद रखना है राइट right? तो भाई इसीलिए यही रीजन है जिसकी वजह से जो एनिमल्स एक्सक्रीट करते हैं अमोनिया को दे आर फाउंड इन एक्वाटिक हैबिटेट बिकॉज एक टेरिस्ट्रियल एनिमल जो है वो इतना वाटर लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता है इसलिए जितने भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे ना फॉर एग्जांपल जो अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं दे आर गोइंग टू बी बोनी फिशेज जैसा कि आपको यहाँ फिगर में देखने को मिल रहा है बोनी फिश की बात की जाए एक्वाटिक एम्फीबियंस की बात की जाए बच्चों जैसे कि और इवन अगर हम बात करें ना एम्फीबियंस की जो लार्वल स्टेज होती है टेटपोल्स दे आर फाउंड द वाटर बॉडीज है ना क्योंकि वहां पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता था एम्फीबंस के केस में तो आपको जो लार्वा का फॉर्मेशन है वो वाटर बॉडी में ही देखने को मिलेगा एंड दैट इज द रीजन यहां पर दे एक्सट्रीट करते हैं अमोनिया को एज अमोनियम आयंस बिकॉज आप जानते हो अमोनिया वाटर में इजीली रिएक्ट कर जाती है टू फॉर्म अमोनियम आयंस जो कि इजीली डिफ्यूज भी हो जाती है थ्रू द बॉडी सर्फेस या फिर गिल्स के सर्फिस के थ्रू राइट ओके देन अगर हम बात करें नेक्स्ट एग्जाम्पल की दैट इज एक्वाटिक इंसेक्ट्स स्पॉन्जेस इवन स्पॉन्जेस जो कि आपको मेरीन हैबिटाइट में देखने को मिलते हैं वो भी एक्सट्रीट करते हैं अमोनिया को देन प्रोटोजोन्स एंड इवन द मेंबर्स ऑफ योर प्लेटिमेंट ऑफ प्लेटवर्म जो कि फ्री लिविंग है वो भी अमोनिया को एक्सट्रीट करते हुए नजर आते हैं तो ये जितने भी आपको एग्जाम्पल्स देखने को मिले ना ऑफ द एनिमल्स जो कि एक्सट्रीट करते हैं अमोनिया एज अ वेस्ट प्रोडक्ट वुड बी कॉल्ड अमोनोटेलिक रिमेंबर दिस सो ऐसे एनिमल्स जो कि अमोनिया एक्सट्रीट करते हैं दे आर कॉल्ड अमोनोटेलिक एंड द प्रॉपर्टी ऑफ सच ऑर्गेनिजम्स टू रिमूव और टू एक्सक्रीट अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज सो इस बात को आपको याद रखना है बच्चों तो अमोनोटेलिक क्या है बेसिकली इट इज अ टर्म गिवन टू एनिमल्स जो कि अमोनिया को एक्सट्रीट करते हैं और अमोनोटेलिज्म वो प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अमोनिया एक्सट्रीट करेंगे सो आई होप द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ द नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू द नेक्स्ट नाइट्रोजनस वेस्ट दैट वी हैव इज यूरिया तो यूरिया की अगर बात की जाए बच्चों तो सबसे पहले इसका आप अगर फॉर्मुला देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहां पर एनएच टू सी ओ एन एच टू इसका मतलब अगर आप दो अमोनिया के मॉलिक्यूल्स को एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करवा दो विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल तो फॉर्मेशन होता है यूरिया का और ये जो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन है ना ये आपकी बॉडी में स्पेशल ऑर्गन के अंदर होती है दैट इज लीवर तो देखो अगर सबसे पहले हम यूरिया के कंपैरिजन करें विथ अमोनिया तो ये आपको लेस टॉक्सिक नजर आएगा दैन अमोनिया तो यूरिया जो है वो कंपेरेटिवली लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से सबसे टॉक्सिक कौन सा था अमोनिया और उससे भी कम टॉक्सिक है यूरिया देन अमोनिया का जो कन्वर्जन है इन टू यूरिया वो आपके लीवर में होता है इस बात को याद रखिएगा ठीक है और इनके एक्सक्रीशन के लिए यानी कि यूरिया के एक्सक्रीशन के लिए आपको स्पेशलाइज ऑर्गन की जरूरत होती है विच आर कॉल्ड किडनीज ठीक है तो किडनीज के थ्रू एक्सक्रीशन होता है यूरिया का एंड ये वाटर में लेस सॉलेबल होते हैं देन अमोनिया सो रिमेंबर दे आर लेस वाटर सोलबल और जो वेरियस ऑर्गेनिज्म आपको यूरिया एक्सक्रीट करते हुए नजर आते हैं दे आर कॉल्ड यूरियोटेलिक ठीक है तो यूरियोटेलिक टर्म गिवेन टू दो एनिमल्स जो कि शो करते हैं एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया और कौन कौन से हैं वो एनिमल्स आइए देखते हैं फर्स्टली जितने भी टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं बच्चों तो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस या फिर आप कह सकते हो अडल्ट एम्फीबियंस ओके तो अडल्ट एम्फीबियंस सिंस वो वाटर से बाहर प्रेजेंट हैं दैट मीनस दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट मैम की, जो कि मोस्टली आपको terrestrial ही देखने को मिलेंगे एंड मैरीज मैरीज भी आपको यहां पर यूरिया एक्सक्रीट करती हुई नजर आती है एंड दे आर ऑल कॉल्ड यूरियोटेलिक और इस फिन या प्रॉपर्टी ऑफ एक्सक्रीटिंग यूरिया इज कॉल्ड यूरियोटेलिज्म को भी आपको याद रखना है सो so, यूरियोटेलिज्म क्या है इट इज द प्रॉपर्टी

अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व कर पा रहे हो रिकॉल कर पा रहे हो पुरानी चीजें तो याद करो मैंने बायो बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर में आपको वेरियस टाइप के नाइट्रोजनस बेसिस पढ़ाए थे जिनमें एक ब्रॉड कैटेगरी थी ऑफ प्यूरिन और प्यूरन्स में एग्जाम्पल्स आते थे एडनीन्स एंड ग्वानी के राइट तो बच्चों आपको अगर याद हो प्यूरस के बारे में तो मैंने आपको बताया था दे वर नाइन मेंबर हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स है ना तो नाइन मेंबर की हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर भी बच्चों तो इसका क्या कोई रिलेशन है विद द यूरिक एसिड याद करो बेसिकली एक्चुअली जो यूरिक एसिड है ना वो फॉर्म होता है आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द तो ओके okay? तो इसीलिए इनका स्ट्रक्चर बहुत सिमिलर नजर आएगा टू द प्यूरिन राइट तो यूरिक एसिड इज फॉर्म्ड आफ्टर मेटाबॉलिज्म ऑफ आफ प्यूरिन रिमेंबर दिस थिंग और अगर बात की जाए इसके कुछ फीचर्स की तो ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है ऑफ ऑल द नाइट्रोजनस वेस्ट सबसे ज्यादा टॉक्सिक कौन था नागे नागे अमोनिया सबसे लीस्ट कौन है यूरिक एसिड और जितना ये लीस्ट टॉक्सिक है उतना ही ये लीस्ट वाटर सॉल्युबल भी है तो लीस्ट सॉल्युबल इन वाटर एंड इसीलिए जब ये पानी में इतना ज़्यादा घुलता ही नहीं है इसका मतलब इसके एक्सक्रीशन के लिए आपको उतना पानी चाहिए भी नहीं राइट right? तो इसीलिए दे आर एक्सक्रीटेड आउट एज पैलेट्स और पेस्ट विथ मिनिमम वाटर लॉस इस बात को याद रखिएगा एंड जितने भी एनिमल्स इस यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करते हैं एज अ नाइट्रोजनस वेस्ट दे आर कॉल्ड यूरिकोटेलिक एनिमल्स ठीक है जो कि यूरिक एसिड सिक्रीट करते हैं एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट तो इनमें आते हैं आपके रेप्टाइल्स जिनमें आपके वेरियस लीजर्स एंड स्नेक्स आते हैं

एलिसन सो so, इस प्रॉपर्टी को हम बुलाते हैं यूरिकोटोलिज्म इनफैक्ट मैमल्स के केस में भी आपको यूरिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है आफ्टर द मेटाबॉलिज्म ऑफ प्यूरिन्स। एंड अगर ये यूरिक एसिड जो है वो एक्यूमुलेट होने लगे एस क्रिस्टल्स इन द जॉइंट्स, तो वहाँ पर ना आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है एंड दैट लीड्स टू गाउटी अर्थराइट या जैसे हम सिंपली गाउट बुलाते हैं सो मैम्स के केस में भी आपको यूरिक एसिड देखने को मिलेगा सो आई होप द वेरियस टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट को स्टडी करने के बाद अब हम डिटेल में स्टडी करेंगे अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की जो कि आपको डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में देखने को मिलते हैं तो हम सारे के सारे एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो कवर नहीं करेंगे बट हाँ कुछ इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में हम जरूर यहाँ पर कवर करने वाले हैं इन डिटेल तो सबसे पहला जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है दैट इज गोइंग टू बी प्रोटोनेफीरिया और प्रोटोनफीरिया क्या है बच्चों ये बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स है सो इट इज द नेटवर्क ऑफ एक्सक्रीटरी ट्यूब्स और इसको हम प्रोटोनफीरिया को बुलाते हैं बिकॉज दे लैक इंटरनल ओपनिंग ओके सो दे लैक इंटरनल ओपनिंग तो इंटरनल ओपनिंग नहीं है बच्चों इनकी टू कलेक्ट द वेस्ट बट एक्सटर्नल ओपनिंग तो है टू रिमूव द वेस्ट तो भाई कैसे ये बॉडी से वेस्ट को एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको हम स्टडी करें उससे पहले लेट अस राइट डाउन द एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरियस एनिमल ग्रुप्स जिनमें आपको प्रोटोन देखने को मिलता है एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो प्रोटोन एफीरिया बच्चों जैसा कि आपको दिख भी रहा है इस पर्टिकुलर फिगर में ये क्या है दिस इज अ प्लेनेरिया राइट तो प्लेनेरिया क्या है एक फ्लैट वर्म है इसका मतलब फाइलम प्लेटी हेलमेंट्स में आपको ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलता है सो so, यहां पर एग्जाम्पल वुड भी वर्म्स जैसा कि एग्जाम्पल में यहां पर मैंशन है दैट इज प्लेनेरिया देन ये आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ रोटिफर्स ऑल्सो सो so रोटिफर्स क्या हैं बच्चों रोटिफर्स हैं कुछ फ्री फ्लोटिंग जू प्लांट्स मतलब आपको वाटर बॉडी में कुछ यू नो फ्लोट करते हुए फ्रीली फ्लोट करते हुए माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स देखने को मिलते हैं विच आर रॉटिफर्स और ये कैसे कैरेक्टराइज होते हैं एक्चुअली इनके एंटीरियर एंड पे आपको एक व्हील ऑफ सीलिया देखने को मिलता है जिसे हम कोरोना बुलाते हैं सो so, उससे ये पहचाने जाते हैं सो so, रोटिफर्स भी क्या करते हैं दे एक्सक्रीट थ्रू दी प्रोटोन इस बात को याद रखना है देन अनदर एग्जाम्पल आपको कुछ एनालिट्स के केस में भी आपको यहां पर प्रोटोनिया देखने को मिल सकता है एज वेल एज आपको यहां पर सिफेलोकॉडेट्स में भी कुछ सिफेलोकॉडेट जैसे कि एग्जाम्पल में वुड बी एम्फियोक्सिस जिसको कि हम लैंस्लेट भी बुलाते हैं याद है सो so, यहाँ पर सेफेलोकॉर्डेट्स लाइक एम्फियोक्सिस में भी आपको प्रोटोन एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन देखने को मिलेगा सो so, प्रोटोन भाई कैसे वर्क करता है देखो यहां पर मैंने आपको बताया कि इनकी कोई इंटरनल ओपनिंग नहीं है टू कलेक्ट द वेस्ट बट एक एक्सटर्नल ओपनिंग है वेस्ट जिन्हें तो वो बॉडी तो के कलेक्ट कैसे करेंगे को? तो देखो, is, आपको एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब देखने को मिल रहा है सो दिस नेटवर्क ऑफ ओनली नथिंग एल्स बट द प्रोटोन और इंटरनली अगर आप देखोगे ये कुछ ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर्स में एंड कर रहे हैं जो कि बेसिकली सेल्यूलर हैं। तो तो इंटरनली अगर मैं एक छोटा सा सेक्शन इसका एनलार्ज करके आपको दिखाऊं तो आपको दिख रहा है कुछ ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर में आपका ये जो ट्यूब है वो एंड कर रहा है तो ये जो ब्लाइंड एंडेड स्ट्रक्चर है उसमें आपको एक सेल देखने को मिल रहा है एट दी एंड तो मतलब इंटरनली जो बॉडी कैविटी है जिस तरफ ये ट्यूब फेस कर रहा है वो एंड कर रहा है एक सेल में जिसे हम बुलाते हैं द फ्लेम सेल ठीक है तो देखो इसको फ्लेम सेल क्यों हैं? उससे पहले फीचर के कॉन्टेक्ट में है, तो ये जो है तो यहां पर आपको बॉडी फ्लूड की फिलिंग नजर आ रही है ठीक है और प्लेटी के केस में आपको जो एक्सक्रीटरी वेस्ट देखने को मिलता है दैट इज अमोनिया तो इसका मतलब जो अमोनिया है वो इसी बॉडी फ्लूड में

सिंस आपको पता है ये जो फ्लेम सेल्स हैं दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद वॉट द बॉडी फ्लूड इसका मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू अमोनिया जो है वो इन सेल्स में एंटर कर जाती है ठीक है और इस सीलिया के मूवमेंट के थ्रू आप देखोगे अमोनिया एज अमोनियम आइंस जो है वो आगे फर्दर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में मूव करती है और जाके इन डिफरेंट ट्यूब के नेटवर्क के थ्रू ओपन होती है टू द आउट साइड थ्रू दी एक्सक्रीट रिपोर्ट्स और इस तरीके से जो अमोनिया है द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ दी प्लाटी हेलमेंट्स वो रिलीज आउट हो जाता है टू दी एक्सटर्नल एनवायरमेंट सो आई होप ऑल द थिंग्स अबाउट द प्रोटो नेफीडिया इज वेरी क्लियर नाउ द नेक्स्ट एक्सक्रीटरी organ दैट वी हैव इज द नेफीडिया तो नेफीडिया बच्चों आपको देखने को मिलता है इन यू नो एनिमल्स लाइक अर्थवर्म and other एनालिट्स ठीक है तो भाई आपने अर्थवर्म का स्ट्रक्चर तो देखा ही है तो यहां पर ना आपको वेरियस टाइप के नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं तो देखो बच्चों नेफ्रीडिया का आपको यू नो ऐसा नेटवर्क देखने को मिलेगा अब अगर मैं एक पर्टिकुलर पोर्शन आपको एनलार्ज करके दिखाऊं तो आप देखोगे नेफ्रीडिया की सिंस यहां पर प्रोटोवर्ड क्यों नहीं लगाया नेफ्रीडिया के बिकॉज देखो यहां पर आपको इंटरनल ओपनिंग दिखाई देगी तो दैट मीनस Nephridia के केस में इंटरनल ओपनिंग और एक्सटर्नल ओपनिंग दोनों ही प्रेजेंट है के में, जो आपकी इंटरनल ओपनिंग थी टू कलेक्ट द बॉडी वेस्ट वॉज एब रिमेंबर जो इंटरनल ओपनिंग है वो देखने को मिलती है इन द फॉर्म ऑफ नेफ्रीडियो तो नेफ्रीडियो स्टोम क्या है बच्चों ये एक फनल शेप्ड ओपनिंग है विच इज लाइन बाय सीलिया और इसके थ्रू जो यू नो वेस्ट मटेरियल है वो कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द बॉडी फ्लूड अब ये जो बॉडी फ्लूड है वो वेस्ट के साथ एंटर कर जाएगा इंटू दिस टूब्यूलर नेफ्रिक ट्यूब्यूल तो यहां पर ये स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिल रहा है ना विच इज टोटली यू नो सराउंडेड बाई ब्लड कैपिलरीज तो देखो आपको यहां पर ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क भी देखने को मिल रहा है सो दिस इज बेसिकली नथिंग बट दी नेफ्रिक ट्यूब्यूल तो इसको मैं मेंशन कर देता हूं एज ओवर हियर दिस इज नेफ्रिक ट्रिब्यूल ठीक है तो इस ट्रिब्यूल के थ्रू जैसे ही बॉडी फ्लूड मूव करता है उनमें से काम की चीजें जितनी भी यूजफुल सब चांसेस हैं वो बॉडी में वापस से रीअब्सॉर्ब होते जाते हैं इनटू द ब्लड कैपिलरीज एंड फाइनली जो भी वेस्ट मटेरियल है वो जाके इस ब्रॉडर पोर्शन में इस ब्रॉड ट्रिब्यूलर पोर्शन में कलेक्ट हो जाता है विच इज कॉल्ड द ब्लैडर तो ये है ब्लैडर टू कलेक्ट द वेस्ट मटीरियल एंड फाइनली ब्लैडर के बाद स्टोर होने के बाद ये जो वेस्ट मटेरियल है दैट इज रिलीज टू दी आउटसाइड तो देखो ये बाहर आके इस तरीके से इस ओपनिंग के थ्रू बाहर बॉडी सर्फिस से रिलीज कर दिया जाता है सो so इसकी एक एक्सटर्नल ओपनिंग भी आपको देखने को मिलती है विच इज कॉल्ड नेफ्रीडियोपोर सो नेफ्रीडियोस्टोम क्या थी इट वॉज एन इंटरनल ओपनिंग टू कलेक्ट द बॉडी वेस्ट एंड नेफीडियो पोर क्या है एक्सटर्नल ओपनिंग टू एलिमिनेट द बॉडी वेस्ट सो इस तरीके से आपको प्रोटोनेफीडिया और नेफ्रीडिया की फंक्शनिंग आई होप अच्छे से समझ आई होगी तो बच्चों हमारा अगला एक्सट्रीट्री ऑर्गन है तो 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 बच्चों आपको 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 देखने को को मिलता है most of the insects, like cockroaches, right? तो याद है है याद याद ना ना हमने को पढ़ा हुआ भी तो होगा बहुत सारे टिब्यूलर प्रोजेक्शन देखने को मिलते थे तो देखो आपको अगर याद हो यहां पर ये यह आपका मिड है, है तो मिड गट है ये आपका हाइंड गट है सो so, गट और हाइंड गट के बीच में आपको ऐसे कुछ नंबर ऑफ of... ंगर लाइक प्रोजेक्शन देखने को मिलती थी विच वर अराउंड सिक्सटी टू वन ट्वेंटी इन नंबर इतनी सारी ये जो प्रोजेक्शन होती थी देवर कॉल्डीजियन टिब्यूल्स राइट और आप सभी को पता है इन यू नो इन्सेक्ट्स लाइक कॉक्रोचे जिनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है उनका जो बॉडी फ्लुइड है विच इज हिमोलिम्फ वो डायरेक्टली बॉडी कैविटी में फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर ये जितने भी टिब्यूलर स्ट्रक्चर है दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद बॉडी फ्लुइड्स और बॉडी फ्लुइड्स में क्या प्रेजेंट होगा ऑब्वियसली द वेस्ट और वो वेस्ट कॉक्रोचेस के केस में कौन सा होता था यूरिक एसिड तो वो यहाँ पर डायरेक्टली यू नो बॉडी से या बॉडी फ्लूड से हीमोलिम्फ ये रिमेंबर ये जो यहाँ पर फ्लूड फील्ड है दैट इज हीम्फ जो कि बॉडी कैविटी यू नो हीमोसील में प्रेजेंट है सो so ये जो हीमोलिम्फ है उनमें से प्रेजेंट जो वेस्ट होगा यूरिक एसिड वो डायरेक्टली यहाँ पर इन टिब्यूलर स्ट्रक्चर से एंटर कर जाएगा इन द हाइंड कट और हाइंड कट में वो आगे जैसे जैसे रेक्टम के थ्रू यू नो मूव करेगा टूवर्ड दी एक्सट्रीटरी ओपनिंग आप देखोगे वेरियस यूजफुल सब्सटांसेज एंड आयन्स आर गोइंग टू बी रीअब्सॉर्ब बैक और इस तरीके से जो वेस्ट मटीरियल है थ्रू दी मैलफिजन ट्यूब्यूल जो है वो एक्सट्रीट आउट हो जाता है इन केस ऑफ दी इन्सेक्ट्स लाइक कॉक्रोचेस एंड अदर आथ्रोपोर्ट ऑल्सो वाइल अगर हम आथ्रोपोर्ट्स के प्रॉन्स राइट उनमें आपको देखने को मिलता है, glands, okay? जिने हम इवन ग्रीन ग्लैंड भी बुलाते हैं so ये जो ग्रीन ग्लैंड है बच्चों ये बेसिकली कुछ ग्रीन कलर की पी शेप्ड प्लांट देखने को मिलती है और ये आपको देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ क्रस्टेशन लाइक like, प्रॉन्स तो देखिए बच्चों इनको एंटीनल ग्लैंड क्यों बुलाते हैं देखो एंटीनल ग्लैंड इसलिए बुलाते हैं क्योंकि ये जो एंटीनल ग्लैंड है जो कि आपको ये ग्रीन कलर की पी शेप्ड ग्लैंड देखने को मिल रही है इसकी ओपनिंग आपको देखने को मिलती है एट द बेस ऑफ द एंटीना तो एंटीना का जो बेस है ना जो बेसल पोर्शन है इज कॉल्ड कॉक्सा उसमें इसकी ओपनिंग होती है एंड दैट इज द रीजन वी कॉल इट एंटीनल तो इनके थ्रू भी जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनका रिमूवल होता है सो देर एक्सट्रीटरी टोल ऑफ यू सो दिसगन इन डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स तो बच्चों डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स में अलग अलग एक्सट्रीटरी ऑर्गन को स्टडी करने के बाद अब हम फाइनली पहुंच गए मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टूडे सेशन दैट इज ह्यूमन एक्सट्रीटरी सिस्टम एंड आई नो आप सभी को बेसरी से इंतजार था इसी टॉपिक

प्रोसेस यानी कि यूरियोटेलिज्म देखने को मिलता था दैट मींस वी आर यूरियोटेलिक इसका मतलब हम यूरिया को एज अ मेन नाइट्रोजनस वेस्ट रिलीज करते हैं राइट right? ओके okay. तो उसकी फिल्ट्रेशन करने के लिए वी हैव टू हैव ज ऑर्गन राइट तो सबसे पहले जो फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म करता है आपके एक्सट्रीटरी सिस्टम को वुड बी अ पेयर ऑफ किडनीज ओके सो अ पेयर ऑफ किडनीज विच आर नथिंग बट बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ओके सो देखिए आपको यहां पर ये यह जो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ना दो विच आर टू एन नंबर एंड देट इज वाई दे फॉर्म वन पेयर सो देखिए ये वाला जो किडनी है ज फॉलिंग टू वर्ड्स माई लेफ्ट यू हेफ्ट इमेजिन कि ये जो स्ट्रक्चर है वो मेरे ऊपर सुपर इंपोस्ड है अब सिंस ये वाला किडनी मेरे लेफ्ट साइड पे है इसका मतलब ये वाली किडनी कौन सी हुई द लेफ्ट किडनी सो रिमेंबर दिस इज द लेफ्ट किडनी और ये वाली किडनी सिंस मेरे राइट right साइड पे फॉल कर रही है इसका मतलब ये है दाइट किडनी right अब भाई ये जो किडनीज हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है बिकॉज यही तो हमारी बॉडी के चीफ एक्सट्रीटरी ऑर्गन्स हैं यही वो ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करते हैं और उसमें से रिमूव करते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट को राइट सो रिमेंबर किडनीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द चीफ एक्सट्रीटरी ऑर्गन इन अवर बॉडी ठीक है ओके okay. एंड बात की जाए इनके लोकेशन की तो लोकेशन की अगर बात करते हैं बच्चों तो याद रखिएगा ये आपके लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा से थर्ड लंबर वर्टिब्रा तक उसके बीच में लाइ करेगी दैट मीन ये प्रेजेंट होती है बिटवीन अवर यू नो T12 ट्वेल्व टू एल थ्री आपको पता है ना आपकी बॉडी में ट्वेल्व थोड़े से रहे हैं सो so, जो नंबर की थोड़े से वर्टिव रहा है लास्ट वन उससे लेकर जो थर्ड नंबर की लंबर वर्टिव रहा है उनके बीच में आपको किडनी की पोजिशन देखने को मिल सकती है एंड दैट टू ऑन द डोरसल साइड यानी कि द बैक साइड सो रिमेंबर दे आर प्रेजेंट ऑन द डोरसल इनर वॉल

ज टू अकोमोडेट द लीवर ऑन द राइट साइड ठीक है तो इस बात को भी याद रखना है आपको ओके एंड सिंस मैंने बोला ये किडनी जो है वो फिल्टर करेंगी ब्लड को तो फिल्ट्रेशन के लिए जो ब्लड आएगा दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम द मेजर आर्ट्रीज एंड यू नो मेजर आर्ट्रज में आपको पता है ए ओटा इज गोइन टू ब्रिंग द ब्लड डाउन और वो एंटर करेगा इन टू द किडनी थ्रू द रीनल आर्ट्री और जो ब्लड होगा आफ्टर यू नो फिल्ट्रेशन विल बी कैरी थ्रू द रीनल वेन एंड वो फाइनली पोर कर दिया जाएगा इन टू द इनफीरियर वे ना कैल सो so, इसको तो हम आगे भी डिटेल में स्टडी करेंगे बट अभी के लिए आप इतनी इन्फॉर्मेशन जान लीजिए ना अगर हम किडनी के डायमेंशन की बात करें बच्चों तो किडनी का डायमेंशन अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लेंथ की सो so, लेंथ में अगर हम देखें बच्चों तो आपकी जो किडनी है ना ये टोटल लेंथ में फॉल करती है बिटवीन द रेंज ऑफ 10 टू 12 सेंटीमीटर तो so, 10 टू 12 सेंटीमीटर की आपकी लेंथ है एक किडनी की और इसकी अगर हम विथ की बात करें तो वित्थ लाई करती है बिटवीन फाइव टू सेवन सेंटीमीटर रिमेंबर दिस थिंग ठीक है अगर हम बात करें इसकी थिकनेस की तो देखो थिकनेस में यह लाए करती है एट अराउंड टू टू थ्री सेंटीमीटर और बात करें इसके एवरेज वेट की यानी कि एक किडनी के एवरेज वेट कितना है सो वी आर टॉकिंग अबाउट एवरेज वेट ऑफ अ किडनी सो वो लाया करता है बिटवीन वन ट्वेंटी टू वन सेवेंटी ग्राम्स ओके सो रिमेंबर ये आपका एवरेज वेट है ऑफ वन किडनी सो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको मालूम होना चाहिए रिगार्डिंग द किडनीज, ओके नाउ वी हैव इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज अ पेयर ऑफ यूरेटर्स तो दोनों ही किडनी से आपको ना दो ट्यूब्युलर स्ट्रक्चर्स अराइज करते हुए नजर आ रहे हैं ओके okay? सो so ये जो दो टिब्यूलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं दे आर कॉल्ड यूरेटर्स ठीक है सो दे आर गोइंग टू बी टू ए नंबर अगेन दे फॉर्म अ पेयर ठीक है तो ये वो स्ट्रक्चर्स हैं यह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि कनेक्ट करते हैं किडनी को टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम दैट इज यूरिनरी ब्लैडर तो अगला स्ट्रक्चर जो आपको देखने को मिलेगा विच इज गोइंग टू बी अ बैग लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर उससे आपके किडनी को कनेक्ट करके रखते हैं दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड दी यूरेटर्स सो आई होप यूरेटर्स के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी देन वी हैव इज द नेक्स्ट स्ट्रक्चर विच इज अ यूरिनरी ब्लैडर तो देखिए यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक बैग लाइक स्ट्रक्चर तो ये जो मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर है ना वो बेसिकली क्या करता है इट स्टोर और होल्ड द यूरिन बिफोर इट रिलीज इज आउट तो किडनी जो फाइनली फ़िल्टर कर लेती है ना आपके वेस्ट मटेरियल को उसको रिलीज़ है हैं द फॉर्म ऑफ अ लिक्विड कॉल्ड यूरिन और वो यूरिन यूरेटर्स के थ्रू यहाँ पर आके इस बैग लाइक स्ट्रक्चर में इस मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम बुलाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में जाके टेम्परली स्टोर हो जाती है तो यहाँ पर वो स्टोर हो जाती है एंड फाइनली उसको रिलीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अनदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि आपके यूरिनरी ब्लैडर से अराइज करता है विच वी कॉल द यूरेथ्रा सो वो भी एक ही है इन नंबर सो यूरेथ्रा क्या है अगेन इट इज अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो कि कंडक्ट करता है यूरिन को फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू दी आउटसाइड ठीक है तो फाइनली जो यूरिन यहाँ पर कलेक्ट हुई थी इट हैज़ टू बी रिमूवड आउट ना तो उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पर ये यह जो टिब्यूलर स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है वी कॉल इट द यूरेथ्रा और यूरेथ्रा में एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको याद रखनी है कि आपको यहाँ पर ना फिंकटर मसल देखने को मिलती हैं तो यहाँ पर आपको दो स्विंगटर मसल देखने को मिलेंगी तो स्पिंक्टर मसल्स क्या होती हैं बच्चों ये कुछ इनवॉलेंट्री सर्कुलर मसल्स होती हैं ना तो देखिए यहाँ पर एक स्पिंक्टर आपको इंटरनल साइड पे देखने को मिल रही है और एक एक्सटर्नल साइड पे तो आपकी एक हो गई इनर स्पिंक्टर और एक हो गई आउटर स्पिंक्टर जो इनर स्पिंक्टर है दिस वन तो दिस इनर स्विंक्टर इज इनवॉलेंट्री इसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है बट ये जो आउटर स्विंक्टर है दिस इज वॉलेंट्री सो रिमेंबर आपको याद रखना है जो आउटर स्विंगटर है वो आपके कंट्रोल में है दट इज वॉलेंट्री एंड जो इनर स्विंगटर है दैट इज इन वॉलेंट्री सो इनर में आई एन आता है ना तो आपको इनसे इनवॉलेंट्री याद होना चाहिए सो so, जो इंटरनल वर्ड भी आ जाए अगर या फिर इनर आ जाए तो इसके केस में आपको याद रखना है वेरियर स्ट्रक्चर जो, so, जो कि फॉर्म करते हैं आपके ह्यूमन एक्सट्रीट्री सिस्टम को सो आई होप ये विजुअल ओवरव्यू अब इज वेरी गियर टू ऑल ऑफ यू तो बच्चों आइए अब हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अवर चीफ एक्सट्रीट्री ऑर्गन और क्या है वो चीफ एक्सट्रिट्री ऑर्गन दैट इज द किडनी राइट तो किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर को हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं एंड फर्स्टली जो चीज़ हमें रि कॉल करनी है दैट इज इज बीन शेप्ड सो दिस इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर जो कि चीफ एक्सट्रीट्री ऑर्गन है और ये फिल्टर करते हैं हमारे ब्लड को ठीक है ओके सो किडनी को ना बच्चों अगर हम ऐसे ऐसे सेक्शन कट करें तो ऐसे अगर हम लंबाई में काटते हैं ना तो इंटरनली आपको किडनी कुछ ऐसी नजर आती है सो दिस दिस इज इज द ऑफ अ किडनी लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ठीक है तो देखिए अगर आप किडनी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो आपको यहां पर दो सर्फेस नजर आएंगे एक सर्फेस जो है वो आउटसाइड की तरफ है अगर आप इसका शेप देखोगे तो ये आपको कॉन्वेक्स नजर आता है सो दिस इज द आउटर कॉन्वेक्स सर्फेस और ये वाला जो सर्फेस है बच्चों दिस सर्फेस इज टी इनर साइड और ये कॉन्केव शेप पे है सो so, ये जो इनर कॉन्केव शेप आपको नजर आ रहा है ना अगर आप देखोगे यहाँ पर ना एक इनवर्ट डिप्रेशन फॉर्म हो रहा है सो so, ये जो इनवर्ट डिप्रेशन या नॉच फॉर्म होती है ऑन दी इनर कॉन्केव सरफेस इज कॉल्ड हाइलम सो द वेरी फर्स्ट टर्म दैट वी मस्ट रिमेंबर इज कॉल्ड हाइलम और हाइलम क्या है मैंने बताया इट इज अ नॉच ऑन दी इनर कॉन्केव सरफेस। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है बच्चों ये हाइलम वो जगह है जिसके थ्रू आपका यूरेटर ब्लड वेसल्स और जो नर्व हैं वो एंटर करेंगी किडनी के अंदर ठीक है तो आपको यहां पर दो ब्लड वेसल तो दिखी रही हैं कौन कौन सी हैं वो देखिए ये वाली जो ब्लड वेसल है ये ब्लड को आपके अयोटा से लेकर जा रही है इन टू द किडनी फॉर फिल्ट्रेशन तो ये वाली जो ब्लड वेसल है दिस इज गोइंग टू बी द रीनल आर्ट्री ठीक है और यह वाली जो आपकी ब्लड वेसल है जो कि वेन नजर आ रही है ऑब्वियसली यह आपके फिल्टर्ड ब्लड को आपके इंफीरियर वेना केवा में पोर करेगी एंड दिस इज गोइंग टू बी रीनल वेन तो यह ब्लड वेसल साथ ही साथ आप देख रहे हो आपका जो यूरेटर है सो दिस इज यूरेटर तो so, यूरेटर भी इसी हाइलम के थ्रू आपके किडनी में ओपन हो रहा है ना यहाँ पर इंटू अ ब्रॉड फनल शेप्ड ओपनिंग है ना उसको हम आगे डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ यहीं से आपकी वेरियस जो यू you नो know, आप कह सकते हो नर्व्स हैं वो भी आपकी किडनी में एंटर करती हैं तो नर्व्स ब्लड वेसल्स और यूरेटर

इस हाइलम के इनर सरफेस में आप देखोगे एक ब्रॉड फनल शेप्ड ओपनिंग में ओपन हो रहा है तो देखिए ये ऊपर जाके ऐसे फनल शेप्ड ओपनिंग में एंटर कर रहा है एंड दिस फनल शेप्ड ओपनिंग इज कॉल्ड द पेल्विस और द रीनल रिमेंबर यूरेटर प्रोजेक्ट्स इनटू द फनल आप देखोगे ना यह पेलवे टिब्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा जिन्हें आप बुलाते हैं मेजर केलेक्स देखिए यह जो ब्रॉड स्ट्रक्चर है ना यह फर्दर कुछ ब्रांचेस में डिवाइड हुआ जिन्हें हम बुलाएंगे द मेजर केलेक्स और ये जो मेजर लेक्स है वो फर्दर अंदर जाके और ब्रांच करके देखिए और छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे तो ये जो छोटे छोटे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहे हैं ना जो कि द मेजर माइनर सो दे माइनर केलेक्स तो मेजर एंड माइनर कैलेक्स बेसिकली फॉर्म दैलाइस इनका प्लूरल फॉर्म वुड बी कॉल्ड के लाइसिस ठीक है तो यहाँ पर आपके रीनल पेल्विस के ही फर्दर ब्रांचिंग से फॉर्म होती हैं कुछ डक्ट्स जिनमें आती हैं सबसे पहले कुछ ब्रॉडर डक्ट्स विच आर कॉल्ड दी मेजर केलेक्स एंड फर्दर उनकी ब्रांचिंग से फॉर्म होती हैं कुछ

और ये ना बच्चों आपको ग्रेन्यूलर अपेयर करता है सो दिस अपेयर ग्रैन्युलर ठीक है वाइल्ड जो मेड्यूला वाला रीजन है दैट इज टूवर्ड्स दी इनर साइड तो ये

मेड्यूला तो ये जो -like आपको देखने को मिलते हैं, फॉर्मिंग the है? याद रखिए। सो रीनल डिवाइडेड है इनटू नंबर ऑफ कॉनिकलिस और जो मेड्यूलरी पिरा बच्चों प्रोजेक्ट करते हैं इंटू दौन कौन सी वो याद है

लेक्स विच इज तो इसका मतलब आपने देखा आपके जो रीनल पिरामिड्स हैं मेडिलरी पिरामिड्स हैं दे आर ओपनिंग फर्दर इन टू द केलाइसिस और याद रखिएगा जो आपका यहाँ पर एपेक्स है ना ऑफ द रीनल आर ओपनिंग और दे आर यू नो रेस्टिंग अपॉन सम समक्चर विच आर कॉल है तो यहां पर ना आपको कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे ओवर योर एट द जंक्शन ऑफ योर माइनर केलेक्स एंड द मेडुलरी पिरामिड तो मेडुलरी पिरामिड और माइनर केलेक्स के जंक्शन पे आपको जो स्ट्रक्चर जिनके ऊपर ये पिरामिड रेस्ट कर रहे हैं दे आर कॉल्ड नो रीनल पैपेले फिर इस बात को याद रखिएगा, यहां पर भी आपको ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं दी स्ट्रक्चर एट द जंक्शन ऑफ रीनल पिरामिड एंड द माइनर केलेक्स आर कॉल्ड द रीनल पैपेलए ठीक है तो ये वो स्ट्रक्चर है जिनके ऊपर आपके मेडुलरी या रीनल रेस्ट करते हैं अपॉन दी माइनर रिमेंबर और जो रीनल कॉर्टेक्स है बच्चों इसका कुछ हिस्सा ना आप देखिए आपको यहाँ पर ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है इसका कुछ हिस्सा इन पिरामिड्स यानी कि मेड्यूला रीजन के बीच में एंटर करता हुआ नजर आ रहा है देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो ये जो रीजन आपको नजर आ रहे हैं ऑफ द कॉर्टेक्स दिच आर यू नो एंट्रिंग इन टू द मेड्यूला वी कॉल दम दी कॉलम्स ऑफ बॉटनी, तो दे आर कॉल्ड दी रीनल कॉलम्स ऑफ बॉटनी सो रीनल कॉलम्स ऑफ बॉटनी क्या है दे आर द रीजन ऑफ द कॉटेक्स जो कि मेडिला में यू नो एंटर कर रहे हैं सो रीनल कॉटेक्स एक्सटेंड्स इन टू द मेडुलरी पिरामिड्स एज द रीनल कॉलम्स ऑफ बर्टनी इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखिएगा सो दिस वॉज ऑल अबाउट द लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ द किडनी सो so, ये था इंटरनल स्ट्रक्चर अब फाइनली हम आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स दी नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन जो कि एक किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है तो भाई जो ये किडनी आपको नजर आ रही है ना ये कुछ बहुत ही टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से मिलकर फॉर्म होती है विच आर कॉल द नेफ्रॉन्स तो आपको यहाँ पर एक नेफ्रॉन ना यहाँ पर बना के दिखाया हुआ भी गया है तो एक नेफ्रॉन जो है ऐसे आपको मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन किडनी में देखने को मिलेंगे जो कि किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैरी आउट करते हैं सो रिमेंबर दिस थिंग द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज अ नेफ्रॉन जिसका स्ट्रक्चर हम अब फर्दर डिटेल में स्टडी करेंगे तो बच्चों नाउ वी शैल बी टेकिंग अप द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन जो कि है द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी और नेफ्रॉन्स को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं बच्चों we even call them so remember, क्योंकि ये के तो you know, डायग्राम देखते हो यहां पर बड़ा ही कंफ्यूज करता है बच्चों को ये डायग्राम बट वील ट्राई टू इट एज मच एज वी कैन देखो पहले तो इतना समझो जो नेफ्रॉन है ना उसको हम दो मेन पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के दो मेन पार्ट्स हैं वन इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस एंड द अदर इज कॉल्ड द रीनल टिब्यूल ठीक है तो ग्लोमेरुलस बेसिकली एक कैपिलरीज का टफ्ट है एक गुच्छा है और जो रीनल टिब्यूल है वो कुछ टिब्यूलर स्ट्रक्चर है जिनके थ्रू आपका फिल्ट्रेशन के बाद जो ब्लड है वो मूव करेगा और यूरिन का फॉर्मेशन कर पाएगा तो सबसे पहले हम एक एक करके इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं एंड साइड बाय साइड हम डायग्राम से रेफर भी करते जाएंगे इन्हीं स्ट्रक्चर्स को तो बच्चों आइए लेट अस बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन विच इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस तो ग्लोमेरुलस क्या है बच्चों ग्लोमेरुलस जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है ये टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है यानी कि कैपिलरीज का गुच्छा है अब ये कैसे फॉर्म होगा तो देखो हमने अपने चैप्टर बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन में पढ़ा था कि कैसे वेरियस ब्लड वेसल्स की ब्रांचिंग होती है टू फॉर्म अ नेटवर्क नेटवर्केड तो आपको पता है कैपिलरीज कैसे फॉर्म होती थी बाई दी ब्रांचिंग ऑफ द दर्टीरियोस राइट और आर्टीरियोल कैसे फॉर्म होते थे बाय ब्रांचिंग ऑफ दी आर्टरीज तो इसका मतलब देखो यहां पर आप देख आपको देखने को मिल रहा है कि कप जैसे स्ट्रक्चर में ये जो कप शेप स्ट्रक्चर है ना इसे हम बुलाते हैं कैप्सूल अभी के लिए आप इसको ऐसे याद रख लीजिए कि ये कप शेप स्ट्रक्चर है जिसमें ना आपको ऐसे कैपिलरीज का गुच्छा देखने को मिल रहा है सो दिस टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस तो यही है आपका ग्लोमेरुलस अब देखो ये जो ग्लोमेरुलस है ना बच्चों ये कैसे फॉर्म हुआ होगा

यही कैपिलरीज जो है वो बाद में रीजॉइन करेंगी टू फॉर्म अनदर आर्टीरियल विच इज कॉल्ड ई ठीक है तो अगर हम देखें अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में ए पहले आता है ई बाद में आता है तो जो ब्लड लेकर आएगा पहले वो पहले एंटर करेगा ग्लोमेरुलस में ना तो इसका मतलब वो होगा ए फ्रटीरियोल एंड जो ब्लड लेकर जाएगा जो कि बाद में लेकर जाएगा ना आफ्टर इट है ग्लोमेर वुड बी कैरीड बाईल जो कि कैपिटल लेटर ई से बिगिन कर रहा है जो बाद में आता है आफ्टर ए तो इसलिए ए फ्रेट आर्टीरियल ब्लड को लेकर आएगा इन टू द ग्लोमेरियल और ई फ्रेंट ब्लड को लेकर जाएगा फ्रॉम द ग्लोमेरियल इस बात को याद रखिएगा ठीक है तो सिंसाइटोलू आपका कैपिलरी फॉर्म होता है बाई द ब्रांचिंग ऑफ द आर्टीरियोल तो वो एफरेंट आर्टीरियल के ब्रांचिंग से बनी अब आर्टीरियोल कैसे बनता है बच्चों याद कीजिए आर्टीरियोल बनता था बाई ब्रांचिंग ऑफ दर्टरी इसका मतलब यहां पर एक आर्ट्री है जो कि ब्रांच की होगी ना है ना तो ये जो आर्टरी है जिसकी ब्रांचिंग से एफरेंट आर्टीरियल बना था याद कीजिए कौन सी आर्टरी हो सकती है आपको पता है ना किडनी में कौन सी आर्टरी एंटर कर रही है टेकिंग द ब्लड इनटू द किडनी इट वाज रीनल आर्टरी रीनल आर्टरी डिवाइड करेगी टू फॉर्म दर आर्टीरियल ए फरंट आर्टीरियल फर्दर डिवाइड करेगा टू फॉर्म अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। और यही ग्लोमेरुलर जो आपकी कैपिलरीज हैं, ये दूसरे एंड पे रीजॉइन करेंगी टू फॉर्म अनदर आर्टीरियल विच इज कॉल्ड ई फरेंट आर्टिंगल टू टेक अवे द ब्लड अवे फ्रॉम द ग्लोमेरिलस ठीक है इतनी चीजें याद रखिएगा अब इस जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज का टफ्ट है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट एक खासियत है बच्चों दैट इट इज वेरी हाईली परमीएबल मतलब एक नॉर्मल कैपिलरी के मुकाबले ये ज्यादा परमीएबल है मतलब इसके थ्रू ज्यादा सब चांसेस क्रॉस कर सकते हैं बैरियर्स को तो देखो ऐसा क्यों है बच्चों इसको समझना है जो नॉर्मल आपको पता है ना कैपिलरीज की जो वॉल होती है दैट इज फॉर्मड ऑफ सिंपल एंडोथिलियम है ना एक सिंगल फ्लैट लेयर ऑफ सेल से मिलकर बनती है जिसे हम एंडोथिलियम बुलाते हैं जो आपके ग्लोमेरुलर कैपिलरीज हैं उनका एंडोथीलियम ना बच्चों इट इज फेनेस्ट्रेटेड मतलब उसके पास फेनेस्ट्रा है अब ये जो फेनेस्ट्रा वर्ड है ना इसका मतलब ही होता है जाली तो यहाँ पर ना आपको थोड़े लंबे बड़े बड़े जाल देखने को मिलेंगे जिनके थ्रू सब्सटेंस इजीली फिल्टर आउट हो जाते हैं इसलिए ये ज्यादा परमिएबल है सो रिमेंबर द ग्लोमेरुलर एंडोथिलियम हैव फेनेस्ट्रा दैट मींस डाली प्रेजेंट है जिसके थ्रू इजिली सब्सटेंस अंडर हाई प्रेशर वुड बी फिल्टर्ड आउट इसीलिए इट इज वेरी हाईली परमीएबल रिमेंबर दिस पॉइंट एंड एज आई टोल्ड यू जो ब्लड है फ्रॉम द ग्लोमेरल इज गोइंग टू बेकन अवे बाई देंट आर्टीरियल सो रिमेंबर लेकर कौन आएगा आपके ग्लोमेरिलस में ब्लड को

जो स्ट्रक्चर है वो एक कप शेप्ड स्ट्रक्चर के अंदर एनक्लोज्ड था इजंट इट तो वो जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर है देखिए यहां पर ये जो कप शेप्ड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना जिसके अंदर ये ग्लोमेरुलस फिट है वी कॉल दिस कप शेप्ड स्ट्रक्चर एज अ बोमेंस कैप्सूल ठीक है तो दिस इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर जिसकी आपको दो वॉल्स नजर आ रही हैं एक वॉल है टुवर्ड्स तो द इनर साइड और दूसरी वॉल है टुवर्ड्स तो द आउटर साइड तो इसका मतलब इट इज अ डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर ठीक है ओके और इसका काम क्या है दिस इज एन क्लोजिंग द ग्लोमेरस सो रिमेंबर दिस इज एन क्लोजिंग द ग्लोमेरुलस और इंपॉर्टेंट चीज क्या है बच्चों देखो ये जो बोमेंस कैप्स्यूल और ग्लोमेरिलस है टूगेदर हम इसको एक और नाम देते हैं वी कॉल इट मैल्फीजन बॉडी तो मेलफ्यूजन बॉडी इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ग्लोमेरुलर टफ्ट ऑफ कैपुलरीज एंड द बोम कैप्स्यूल तो इस एंटायर स्ट्रक्चर को वी कॉल द मेलफ्यूजन बॉडी या फिर इसको हम एक और नाम बुला सकते हैं बच्चों इसको हम बुलाते हैं रीनल कॉर्पियोसल ठीक है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रीनल कॉर्प्योसिल एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग ये जो आपके यू नो बोमेंस कैप्सूल के इनर वॉल के सेल्स हैं ये जो इनर वॉल वाले सेल्स हैं ना जो कि क्लोजली कॉन्टैक्ट में है विद द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज दे आर कॉल्ड पोडोसाइट्स इन्हें हम पोडोसाइट्स बुलाते हैं और ये जो पोडोसाइट्स हैं ना इनकी खासियत क्या है बच्चों दे फॉर्म फिल्ट्रेशन स्लिट्स तो ये फ़िल्ट्रेशन करवाने के लिए कुछ स्लिट्स फॉर्म करती हैं कैसे तो देखिए एक पोडोसाइट का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो अगर मैं एक पोडोसाइट को इन्लार्ज करके बताऊं तो देखिए एक सेल ना आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा ये सेल है उसका न्यूक्लियस है और इसके सेल स्ट्रक्चर में आप देखोगे आपको कुछ इस तरीके से फॉर्म होती हुई नजर आती हैं कुछ इस तरीके से सो so, आपको यह देखने को मिल रहा है ना कि यहां पर यह एक पोटोसाइट है सो दिस इज पोडोसाइट और ये जो पोडोसाइट है इसकी जो प्रोसेस है डिफरेंट पोडोसाइट्स की प्रोसेस ना आपस में इस तरीके से इंटरडिजिटेट कर जाती हैं आपस में ऐसे इंटरलॉक कर जाती हैं इतनी इंट्रीकेटली ये आपस में कनेक्टेड होती हैं सच दैट दे फॉर्म यू नो कुछ स्लिट लाइक स्ट्रक्चर तो देखिए ये इस तरीके से ना इनकी प्रोसेस ऐसे स्लिट्स फॉर्म करती है बीच बीच में तो अंदर की जो स्पेसेस होती हैं दिस इज टू एंश्योर द फिल्ट्रेशन टू अकर एंड दैट इज वाई ये जो स्लिट्स फॉर्म होती हैं बाई द इंट्रिकेशन ऑफ दिस प्रोसेसिस ऑफ पोडोसाइड्स आर कॉल्ड फिल्ट्रेशन स्लिट्स ठीक है तो फिल्ट्रेशन स्लिट क्या है दे आर दलिट्स विच आर फॉर्मड फॉर द फिल्ट्रेशन पर इंट्रीगेशन ऑफ दिज स ऑफ पोटोसाइट ठीक है सो आई होप रीनल ट्रिब्यूल में बोमन कैप्सूल का जो स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड सारे फीचर्स और इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ आई होगी तो so चलिए बच्चों बढ़ते हैं टू वर्ड दी नेक्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्रिब्यूल दट इज द प्रोक्सिमल कॉन्व्यूट ट्रिब्यूल जिसे हम शॉर्टलीट करते हैं तो so देखो बच्चों अभी तक हमने क्या क्या देख लिया हमने देख लिया ये कप शेप स्ट्रक्चर

देखो ये वाला स्ट्रक्चर तो ये जो हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जो कि वेरी क्लोजली सिचुएटेड है टू द बोमेंस कैप्सूल वी कॉल इट प्रॉक्सिमल कॉन्वल्यूटेड ट्यूब्यूल बिकॉज अगर आप वर्ड्स को ब्रेक करोगे तो प्रॉक्सिमल वर्ड का मतलब होता है नियर कॉन्वल्यूटेड वर्ड इज गिवन फॉर द टर्म कॉइल्ड ठीक है तो एक हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर विच इज़ वेरी नियर टू द वोमन्स कैप्सूल वी कॉल इट प्रॉक्सिमल कॉन्विटेड ट्यूब्यूल ठीक है सो हाईली कॉल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर क्लोज टू द वोमस कैप्सूल फाइन अब बात करें इसके सेल के ओके दैट मीन यहां पर आपको टिश्यू का अरेंजमेंट कैसा देखने को मिलता है तो बच्चों यहां पर आपको देखने को मिलेगा ब्रश बॉर्डर क्यू एपिथीलियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट मीन्स आपका जो ट्यूबुलर पार्ट है ना ये वाला द प्रॉक्सिमल कॉन्विलेटेड ट्यूबुल वहाँ पर आपको कैसा एपिथीलियम देखने को मिलेगा क्यूबॉइडल एपिथीलियम और उस क्यूबॉइडल सेल्स में भी ना आपको देखो ये अगर आपका क्यूबॉइडल सेल है उसके ऊपर ना आपको ऐसे बहुत सारे टाइनी प्रोजेक्शन देखने को मिलेंगे विच आर दी माइक्रो विलाय तो बच्चों ये वाला जो सेल्युलर अरेंजमेंट है किसी भी टिश्यू में अगर आपको देखने को मिलता है तो वो किस पर्पज के लिए होता है याद कीजिए ब्रश बॉर्डर तो आपको आपकी इंटस्टाइन में भी देखने को मिलता था याद है वहां पर क्या फंक्शन परफॉर्म करती थी इंटस्टाइन Obviously absorption का ना क्यों बिकॉज ये जो आपको प्रोजेक्शन देखने को मिल रहे हैं ना दे आर रैदर इंक्रीजिंग द सर्विस एरिया फॉर दी एब्जॉर्प्शन प्रोसेस टू अकर इसीलिए सिंस यहां पीसीटी में भी आपको ब्रश बॉर्डर क्यों बॉर्डर एपी थीलियम देखने को मिल रहा है यहां पर भी अब्जॉर्ब्शन की प्रोसेस आकर करेगी रैदर वी विल कॉल इट रीअबॉर्ब्शन क्यों कहते हैं रीअब्सॉर्प्शन आई टेल यू लेटर जब हम यूरिन फॉर्मेशन की प्रोसेस को समझेंगे बट अभी के लिए आप इतना समझिए जो आपका पीसीटी है इट इज गोइंग टू बी चीफली इन्वॉल्व इन द ऑफ मटीरियल इसीलिए इट इज लाइन बाय ब्रश ब्रशर क्यूबॉलियम सो आई होप टी से रिलेटेड इतनी इन्फॉर्मेशन अभी के लिए आपके लिए सफिशियंट है टू लर्न तो बच्चों आइए अब बिगिन करते हैं विद द द द नेक्स्ट पार्ट ऑफ रीनल दैट इज लूप या जिसे हम लूप ऑफ हेडले भी बुलाते हैं बच्चों तो ये एक आपको हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और हेयर पिन आप सभी जानते हैं एक यू शेप्ड पिन आपको देखने को मिलती है which is mostly used by the girls तो यहां पर भी आप देखोगे आपका जो पीसीटी है ना द प्रॉक्सिमल कॉनवोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये फर्दर लीड करता है इनटू अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर ये जो यू शेप्ड आपको हेयर पिन जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है वी कॉल इट द लूप ऑफ हैंडल या फिर हैंडललेस लूप ठीक है ओके तो since ये आपको सिंस ये यू शेप्ड है तो आपको इसके दो लिम्स नजर आ रहे हैं बच्चों जो नीचे की तरफ आपका लिंब जा रहा है दिस लिंब इज द डिफेंडिंग लिंब ओके okay? और ये वाला जो लिम्ब ऊपर की तरफ जा रहा है दिस इज दसेंडिंग लिम्ब ठीक है तो लूप ऑफ एंडे के दो लिम्स आपको देखने को मिलेंगे अब देखिए दोनों ही लिम्स की क्या खासियत है यहीं पर समझ लीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखिए जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है आपके लूप ऑफ एंडे का दिस इज गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट द थिन सेगमेंट अब थिन सेगमेंट यानी कि पतला सेगमेंट फॉर्म कर रहा है इसका मतलब यहां पर जो सेल्स अरेंज होंगे दे आर गोइंग टू बी अरेज इन सिंगल लेयर तभी तो पतले लेयर में अरेंज नजर आएंगे ना और वो सेल्स जो होंगे वो यहां पर आपको फ्लैट नजर आएंगे तो वो और पतला हो जाएगा इसका मतलब थिन सेगमेंट गोइंग टू बी बाय सिंपल एपिथीलियम ठीक है तो यहां पर सिंपल स्कॉमस एपिथीलियम देखने को मिलेगा सिंपल मींस सेल्स आर अ सिंगल लेयर स्कॉमस मतलब जो सेल्स फॉर्म कर रहे हैं उस लेयर को दे आर गोइंग टू बी फ्लैट टाइल्स लाइक ओके एंड यहां पर इसकी खासियत यह है बच्चों जो डिसेंडिंग लिम है दिस इज परमिएबल टू वाटर ओनली तो इससे सिर्फ पानी ही मूव कर सकता है नो सल्यूट सो इट इज नॉट गोइंग टू बी यू नो या आप कह सकते हो इट इज गोइंग टू बी इम टू सल्यूट बट दर इज वन एक्सेप्शन केवल एक ऐसा सल्यूट है, है, है ठीक है रिमेंबर दस थिंग सो द डिस इज गोइंग टू बी इम परमिएबल टू ऑल सल्यूट एक्सेप्ट फॉर यूरिया एंड इट इज गोइंग टू बी कंप्लीटली परमिएबल टू वॉटर ठीक है ओके okay. वाइल अगर हम बात करें असेंडिंग लिम की यानी कि ये वाले लिम की जो ऊपर जा रहा है सो दिस असेंडिंग कॉन्स्टिट्यूट थिक सेगमेंट तो यहाँ पर आपको थिक सेगमेंट देखने को मिलेगा दैट मीन यहाँ पर भले ही सेल सिंगल लेयर में अरेंज होंगे बट वो यहाँ पर थिन नहीं होंगे बिकॉज वो फ्लैट नहीं होने वाले हैं दे आर गोइंग टू बी क्यूबॉइडल इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी लाइंड बाय सिंपल क्यूबॉयडल एपिथिलियम ठीक है तो एक तरफ आपको डिसेंडिंग लिम में पतले एकदम यू नो फ्लैट सेल देखने को मिल रहे हैं फॉर्मिंग अ सिंगल लेयर यहाँ पर असेंडिंग लिम्ब में अगेन आपको जो सेल देखने को मिलेंगे दे आर गोइंग टू बी इन अ सिंगल लेयर बट दिस टाइम दे आर गोइंग टू बी नॉट फ्लैट वो यहाँ पर कुछ हाइट गेन किए हुए हैं इसका मतलब दे आर गोइंग टू अर क्यूब ठीक है सो सिंपल क्यूबॉल एपिथिलियम एंड दे आर परमीएबल टू एंड आयूट्स तो यहाँ सेबल बट दिस इज गोइंग टू बी इम परमीएबल टू वाटर सो रिमेंबर जो असेंडिंग लिम्ब है दिस इज इम्परमिएबल टू वॉटर इस बात को भी आपको याद रखना है तो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग देंडेज लूप आपको अच्छे से समझ आई होगी तो बच्चों द फाइनल पार्ट ऑफ द रीनल ट्रिब्यूल इज द डिस्टल कॉन्वल्यूटेड ट्रिब्यूल एंड डिस्टल वर्ड बता रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी फार ओके फार अवे एंड कॉन्वल्यूटेड वर्ड क्या बताता था कॉइल्ड इसका मतलब यहां पर कुछ ट्रिब्यूलर स्ट्रक्चर आपको ऐसा देखने को मिलेगा विच इज गोइंग टू बी फार अवे फ्रॉम द बोमन कैप्सूल सो ये डिस्टल ट्रिब्यूलर सेगमेंट है और ये कैसे फॉर्म हो रहा है देखिए ये फॉर्म हो रहा है बाई द एक्सटेंशन ऑफ योर असेंडिंग लिंब ऑफ दी लूप ऑफ एनडे तो देखिए जो लूप ऑफ एनले का असेंडिंग लिंब है वो फर्दर अगेन एक कॉल्ड ट्रिब्यूल स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको नजर आ रहा है एंड दिस पर्टिक्युलर स्ट्रक्चर इज कॉल्डल कॉन्वल्यूटेड ट्रिब्यूल

ियम okay. so याद रखियेगा जैसा कि आपको देखने को मिला था इन केस ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ देंडलेज लूप तो यहां पर भी आपको सिंपल क्यूबॉइडल एपिथिलियम ही देखने को मिलेगा और जितने भी वेरियस डी सी है अलग अलग नेफ्रॉन्स के दे ऑल टुगेदर ओपन इन टू स्ट्रेट ट्यूब कॉल द कलेक्टिंग डक्ट तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये पर्टिकुलर डीसीटी जो है वो एक कॉमन स्ट्रेट डक्ट में ओपन हो रहा है विच इज कॉल्ड द कलेक्टिंग डक्ट ऐसे ही अलग अलग नेफ्रॉन्स देखिए ये दूसरे किसी नेफ्रॉन का डीसीटी आ रहा है ये तीसरे किसी नेफ्रॉन का डीसीटी आ रहा है दिस इज अनदर डीसीटी ऑफ अनदर नेफ्रॉन तो डिफरेंट डिफरेंट नेफ्रॉन्स के डीसीटी जाके एक कॉमन नो स्ट्रेट डक्ट में ओपन होते हैं विच वी कॉल एज द कलेक्टिंग डक्ट सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट ठीक है सो आई होप ये बेसिक चीजें आपको क्लियर हुई होंगी अबाउट द वेरियस पार्ट ऑफ अफ्रा अब देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज जो यहीं पर समझ लीजिए आपको इस डायग्राम में दिख रहा है जो आपकी मैलफ्यूजन बॉडी है दैट इज योर ग्लोमेरस एंड द वोमेंस कैप्सूल ठीक है वोमेंस कैप्सूल ग्लोमेरस जो आपका पीसीटी है और जो आपका डीसीटी है ये तीनों स्ट्रक्चर ना आपके किडनी के कॉर्टेक्स वाले रीजन में लाए कर रहे हैं तो देखो यहां पर ये यह जो आपको डॉटेड लाइन नजर आ रही है ना दिस इज द जंक्शन ऑफ द एंड द मेड्यूला तो देखो कॉर्टेक्स में क्या क्या पोर्शन लाए कर रहा है योर मैलफ्यूजन बॉडी पीसीटी एंड डीसी वाइल ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज द लूप ऑफ एंडले दिस इज लाइंग इन द मेड्यूला रीजन ऑफ द किडनी ठीक है तो याद रखना है पीसीटी डी एंड द मेलफ्रीजन बॉडी इज गोइंग टू बी इन द

रीनल ट्रिब्यूल याद है रीनल ट्रिब्यूल में हमने वोमन कैप्सूल था बट यही वो स्ट्रक्चर हैं जो कि नेफ्रॉन का पार्ट्स माने जाते हैं वाइल जो कलेक्टिंग डॉक्ट है इस बात को अभी से याद रखिएगा ठीक है जो कलेक्टिंग डक्ट है जैसा कि मैंने आपको बताया ये स्ट्रेट ट्यूब्स हैं जिनमें डीसी टीज फ्रॉम सेवरल नेफ्रॉन्स ओपन अप है ना और फर्दर ये जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं ये आगे जाके ओपन होती हैं इनटू द रीनल क्लाइसिस रीनल क्लाइसिस जिसमें कि माइनर और मेजर क्लाइसिस आते हैं ना याद है एंड द फर्दर ओपन इन द रीनल पेल्विस तो आई होप आपको याद हो वो सारे स्ट्रक्चर अगर नहीं भी है तो वील ट्राई टू फिगर दम आउट विद द हेल्प ऑफ दिस सिंप्लीफाइड डायग्राम तो देखो यहां पर ना बच्चों आपको किडनी का एक पूरा रीजन दिखाया जा रहा है तो देखो यहां पर आपको दिख रहा है ये आपका कॉटेक्स वाला रीजन है, है जहां पर आपको एक you know, रीनलोराम एंड so, यहां पर आपको एक कैलेक्स फॉर्म हुआ नजर आ रहा है विच केलेक्स इट इज माइनर कैलेक्स और माइनर कैलेक्स पे आपका जो मेड्यूलरी पिरामिड है वो रेस्ट करता था ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड रीनल पैपेला याद है तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ना जिस पे आपका मेडुलरी पिरामिड रेस्ट कर रहा है वुड बी द रीनल पैपेल इतनी चीजें क्लियर है ठीक है अब देखो आपको मैंने पिछली ही स्लाइड में बताया है कि कॉर्टेक्स में कौन कौन सा पोर्शन आपके नेफ्रॉन का लाइक करेगा सो so आपको याद होगा ग्लोमेरुलस एंड वोम कैप्सूल विच आर द मैलफ्यूजन बॉडी है ना तो मेलफ्यूजन बॉडी प्लस योर और फर्दर ओपन हो रहा है इन टू दिलेक्टिंग ओपन हो रहा है इस बात को याद रखिएगा और मेड्यूला में क्या एक्सटेंड कर रहा था द लूप ऑफ हेडले ठीक है तो देखिये जो आपका कलेक्टिंग डट है जैसे हम कलेक्टिंग डॉफ बेलिन भी बुलाते हैं ठीक है तो यह क्या कर रहा है अलग अलग डीसीटी से यूरिन को कलेक्ट करके ला रहा है सो so, इस तरीके से आप देखोगे यहां पर दिस कॉमन डक्ट जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट बोलाते हैं फिर ऑफ बेलिनी भी बोलाते हैं फर्दर ओपन कहा हो रहा है माइनर केलेक्स याद है माइनर केलेक्स वो नैरोक्ट अब ये नैरोक्ट्स जाके कहा ओपन होंगी सो दिस माइनर कैलेक्स इज गोइंग टू ओपन इन टू मेजर कैलेक्स याद है और ये जो मेजर कैलेक्स है वो फर्दर जाके कहा ओपन होगा मेजर कैलेक्स तो वो ब्रॉडर जाके ओपन हो रहे थे द रीनल रीनल पेल्विस पेल्विस क्या था द फाइनल ओपनिंग ऑफ द यूरेटर इन द किडनी इज इन डेड और इसीलिए ये जो रीनल पेल्विस है वो इस तरीके से यूरिन को कलेक्ट करके फर्दर पास डाउन कर देगा इन टू द यूरेटर्स ठीक है एंड यूरेटर से वो फर्दर जाके यूनरी ब्लाडर में कलेक्ट हो गया एंड फर्दर वुड बी रिलीज आवर थ्रू द यूरेथ्रा तो इस तरीके से कलेक्टिंग डग जो हैं वो सेवरल नेफ्रॉन से यूरिन को कलेक्ट करते हैं फर्दर पास डाउन करते हैं थ्रू द किडनी एंड इन टू द यूरेटर्स एंड यूरिनरी ब्लडर एंड फाइनली आउट टू द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट थ्रू द यूरेथ्रा तो इस तरीके से कलेक्टिंग डट्स के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आई होंगी तो बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है द टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन्स विच इज अ व व वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक सो पे अटेंशन टू दिस टॉपिक बच्चों देखो टाइप्स ऑफ नफ्रॉन्स को हम स्टडी करें उससे पहले लेटस रिकॉल वन वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताया था बच्चों जो मेलफीजन बॉडी पी सी टी और डी सी टी है वो कहाँ लाए करते हैं इन द कॉर्टिकल रीजन ऑफ द किडनी इसका मतलब ये कॉटेक्स में लाया करते हैं और जो हैंडलेज लूप है वो कहां लाया करता है इट इज गोइंग टू बी प्रेजेंट इन द मेड्यूला रीजन इसका मतलब जो लूप है वो डिप करता है द मेड्यूलाज इट इन द मेड्यूलरी पिरामिड्स ओके सो डिपेंडिंग अपॉन की कितने एक्सटेंट तक आपका हैंडलेस लूप जो है वो डिप करेगा मेड्यूला में आपको दो टाइप के नेफ्रॉन्स देखने को मिलेंगे कौन कौन से नेफ्रॉन्स हैं पहला नेफ्रॉन कहलाता है द कॉर्टिकल नेफ्रॉन एंड द अदर वन इज कॉल्ड द जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स अब देखो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है नाम ही बता रहा है इसका मतलब यहाँ पर इस नेफ्रॉन का जो मेजर पोर्शन है वो कॉर्टेक्स में लाइक करेगा तो अगर यहाँ पर हम एक किडनी के यू नो स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो रीजन है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द कॉर्टेक्स

नेफ्रॉन्स। so, ऐसे वाले जो नेफ्रॉन्स हैं, जिनका मेजर पोर्शन कॉर्टेक्स मिलाया करता है दे फॉर्म अराउंड 85% फाइव परसेंट ऑफ द टोटल नेफ्रॉन्स तो 85% परसेंट ऑफ टोटल नेफ्रॉन्स जो हमारी किडनी में प्रेजेंट हैं, दे आर ऑल कॉन्सेंट्रेटेड इन दी दॉर्टिकल रीजन एंड हेन्स वी कॉल दैन द कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स आपके 85 परसेंट है और ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स है ना ये एक्टिव रहते हैं अंडर नॉर्मल कंडीशन यानी कि जब बॉडी में किसी भी वाटर की कोई भी कंडीशन या ऐसी नहीं हो जो कि अनफेवरेबल हो फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई वाटर स्केर्सिटी वाली कंडीशन आपकी अगर बॉडी में प्रिवेल नहीं कर रही है तो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स जो है वो यूरिन फॉर्मेशन करते हैं बट जो सेकेंड टाइप के है, नेफ्रॉन्स जिन हैं जिन्हें हम बुलाते हैं जक्स्ट्रा मेड्युलरी नेफ्रॉन्स अब देखो जक्स्ट्रा वर्ड का मतलब क्या होता है जक्सट्रा मीन होता है एट द जंक्शन ऑफ तो एट द जंक्शन ऑफ

और ये वाले जो नेफ्रॉन्स हैं ना बच्चों ये केवल केवल तब एक्टिवली यूरिन फॉर्म करते हैं जब बॉडी में वाटर स्केर्सिटी हो वाटर की कमी हो उस टाइम पे ये वाले जो नेफ्रॉन्स हैं दे आर गोइंग टू बी प्री बी एक्टिव टू फॉर्म यूरिन सो इतनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन आपको याद रखनी है आइए कुछ और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स हम समझ लेते हैं तो बच्चों दोनों ही टाइप के नेफ्रॉन्स के बीच में एक और इंपॉर्टेंट डिफरेंस को समझने से पहले लेट अस ट्राई टू रिकॉल सर्टेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तभी आपको ये पॉइंट समझ में आएगा तो देखो बच्चों यहां पर हम रिकॉल कर रहे हैं वापस से जो आपको वैस्कुलर नेटवर्क देखने को मिलता था ना अराउंड दी नेफ्रॉन और उसको तो देखिए आपको यहां पर इमेजिन करना है कि यह आ रही है आपकी रीनल आर्टरी रीनल आर्ट्री जब फर्दर ब्रांच करती थी तो क्या फॉर्म करती थी कौन सी आर्टीरियो ऑब्वियसली एफरेंट सो एफरेंट आर्टीरियोल में ये फर्दर डिवाइड कर गई एफरेंट आर्टीरियल बोम कैप्सूल के अंदर जाके अगेन ब्रांच आउट करती थी इंटू ऑफ इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस इसका मतलब एफरेंट आर्टीरियोल के डिवीजन से फॉर्म हुआ ग्लोमेरुलस ग्लोमेरुलस ऑन दी अदर एंड वापस से रीजॉइन करेगी टू फॉर्म अनदर अदर आर्टीरियोल कॉल दी इेंट आर्टीरियोल

कैपिलरी का नेटवर्क है विच इज़ फॉर्म्ड बाई द डिविजन ऑफ द ईफरंट आर्टीरियल इट इज कॉल्ड पेरी टिब्यूलर कैपिलरीज ठीक है अब इसको पेरी टिब्यूलर क्यों बुलाते हैं बच्चों पेरी वर्ड का मतलब होता है अराउंड और टिब्यूल वर्ड क्या बता रहा है दैट इट इज अराउंड द रीनल टिब्यूल तो रीनल टिब्यूल में आने वाला बोमन कैप्स्यूल पी सी टी जो हैंडलेज लूप है और डी सी टी है इन सभी स्ट्रक्चर्स को ये पूरी तरह से सराउंड कर रही है एंड वी कॉल इट पेरी टिब्यूलर रिमेंबर दिस थिंग जो इफरेंट डाटीरियल फॉर्म हुई ना आफ्टर यू नो रीजॉइनिंग ऑफ द ग्लोमेरुलस फॉर्म्स ऑफ फाइन कैपिलरी नेटवर्क अराउंड द रीनल टिब्यूल कॉल द पेरी कैपिलरीज दिस पॉइंट इज क्लियर ठीक है अब देखो ये जो पेरी कैपिलरीज है इनमें से इसकी एक जो माइन्यूट वेसल है आप देखोगे वो वेसिल ना आपके हैंडलेस लूप के अराउंड ऐसे पैरेलल जा रही है तो ये आपका येलो वाला पोर्शन क्या है हैनलेस लूप हैंडलेस लूप के जस्ट पैरेलल इसी पेरी कैपिलरी का एक वेसिल देखो इस तरीके से यू शेप फॉर्म कर रहा है राइट पैरेलल टू देंडलेस लूप और इस पर्टिकुलर ब्रांच ऑफ द पेरी कैपिलरी को हम बुलाते हैं द वासा रेक्टा कैपिलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो वन ऑफ इट माइन्यूटर दिस नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों अब हमारा जो डिफरेंस है ना बिटवीन द टू नेफ्रॉन्स इट इज बेस्ड ऑन दिस वासा रेक्टा ओनली तो बच्चों ये जो वासा रेक्टा है ना दिस इज एपसेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन द ल ने तो कॉर्टिकल थे थे ने तो आपको या तो ऑल टूगेदर एपसेंट नजर आएगी या फिर अगर प्रेजेंट भी होगी ना तो वो हाईली रिड्यूज होती है ठीक हैेक्टा so है दिस इज गोइंग टू बी प्रोमिनेटली प्रेजेंट इन जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन्स अपने एक्टिविटीज को कब एक्टिवली परफॉर्म करते हैं जब उनको वाटर कंजर्व करना हो अंडर वाटर स्केसिटी कंडीशन तो इसका मतलब जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स में ही वासा रेक्टा अगर प्रेजेंट है इसका मतलब वाटर कंजर्वेशन में जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स को कौन हेल्प कर रहा होगा एक्टिवली द वासा रेक्टा सो so, वासा रेक्टा का इंपॉर्टेंट रोल है इन दी कंजर्वेशन ऑफ वाटर बिफोर फॉर्मिंग द यूरिन तो इसका मतलब आपकी यूरिन की कॉन्सेंट्रेशन की प्रोसेस में वासा रेक्टा और जो यू नो लूप ऑफ हेडले है उनका दोनों का ही इंपॉर्टेंट रोल होता है तो लूप ऑफ हेनले और उसके चारों तरफ जो यू नो एक पैरल वेसल जा रही है यू शेप्ड में ऑफ दी पेरिटिकुलर कैपिलरी कॉल वासर एक्टर बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल सो आई होप इतनी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दी टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स इज ऑल्सो वेरी क्लियर तो बच्चों दिस वॉज ऑल फॉर टूडे फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड दर एलिमिनेशन आई होप इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हमने कवर किए हैं आज के सेशन में आपको अच्छे से समझ आए होंगे सो so, अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में अंटिल देन यू डू टेक केयर ऑफ योर सेल्स और जैसा कि आप सभी जानते हैं लर्नो हा फ्री है पर बेस्ट है